हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। भाई आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ होंडा एलिवेट के बारे में। होंडा एलिवेट बेसिकली 11.5 लाख रुपए एक्स शोरूम से स्टार्ट होता है और 13.5 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली में ये पड़ जाता है। इसमें क्या क्या चीजें ऑफर होती है वो मैं बताने वाला हूँ। बात तो सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ होंडा को, जो इन्होंने इतने टाइम बाद एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो भी एसयूवी, जो कि इंडियन मार्केट को सबसे ज्यादा बड़ा सेगमेंट बनता जा रहा है धीरे धीरे। आप इसका फ्रंट ग्रिल देखोगे ना, तो जो इसके ग्रिल का जो पार्ट है ना, ये बड़ा सा बहुत ही ज्यादा मैचो लुक इसको दे रहा है। और इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है कि ऊपर की साइड की जो ये ग्रिल है ये कम्प्लीटली क्लोज्ड है और नीचे वेंट्स बने हुए हैं वेंटिलेशन के लिए, इसके एसी के लिए। तो यहाँ पे काफी अच्छा डिजाइन होंडा ने इसको बनाया है। बड़ा सा लोगो है होंडा का और स्किड प्लेट भी आपको नीचे मिल जाती है। और अगर इसके ऊपर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्रोम मिलता है जो एक लाइट से दूसरी लाइट को इसको कनेक्ट करता है। वहीं अगर हेडलैम्प की बात करेंगे तो भाई सब एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प इसमें मिल जाएंगे। लो बीम हाई बीम अलग अलग मिलता है और इसी में फॉग लैम्प भी मिल जाता है। ये हालांकि इसके डीआरएल भी इसमें आते हैं विद इंडिकेटर। और इसके बोनट को अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ से थोड़ा सा ये लाइंस एंड कर्व्स जो दिए हुए हैं ये इसको काफी ज्यादा स्पोर्टी लुक बना रहा है। अगर आप इस तरीके से इसको देखोगे तो आप देखोगे काफी ज्यादा मैचो ये गाड़ी लगती है। एक बार दोबारा से इसका फ्रंट लुक आप देखिए, मतलब होंडा का जो डिजाइन रहता है ना, वो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आने वाले 10-20 साल बाद पुराना हो जाएगा। तो एक ऐसा डिसेंट सा जो है वो डिजाइन ये देते हैं, तभी आप जो इसके कस्टमर्स भी हैं वो भी आप देखोगे कि बिल्कुल डिसेंट जो लोग होते हैं, जो एज्ड रहते हैं 35 प्लस, वो लोगों को ज्यादा पसंद आती है। बट लेकिन ऐसा नहीं है कि यंगस्टर्स में ये फेमस नहीं होती, यंगस्टर्स भी इसको होंडा के प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं। स्पेसिफिकली अगर बात करें होंडा सिटी को, आप देखते हो यंगस्टर्स की जो है, जो सेडान लवर्स है उनकी काफी पहली पसंद ये रहती है। उसी तरीके से एलिवेट भी जो है एक क्लास को मेंटेन करती है, तो ये प्रोडक्ट भी आपको उसी क्लास के बीच में कहीं दिखाई देगा। बाकी क्लैडिंग आपको दिखेगी, बड़ी सी क्लैडिंग ये इसके टायर के ऊपर से, जो इसको यहाँ से कनेक्ट करती हुई, काफी डिजाइनिंग, काफी स्टाइलिश सा ये क्लैडिंग, बॉडी कलर और प्लस बैक तो थोड़ा सा डिजाइनिंग स्टाइलिश सा ही आपको मिल जाएगा। बाकी वही बात करते हैं इसके अलॉय व्हील की, तो अलॉय व्हील में ये जो स्कूप्स वाले ये अलॉयज होते हैं, ये पर्सनली मुझे काफी अच्छे लगते हैं। आप कमेंट करके बताना आपको किस तरीके के अलॉयज अच्छे लगते हैं, ये अच्छे लगते हैं तो इसके बारे में बताना, ये अच्छे नहीं लगते या किसी और तरीके के लगते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बताना। इसका टायर साइज जो है वो 21555R17 इंचेस, तो 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। और बड़ा सा डिजाइनिंग एक बॉक्सेस है जो एसयूवीज डिजाइन होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये इसका ओवरऑल एक बार लुक आप देख सकते हो। बाकी वहीं ओआरवीएम की बात करेंगे तो इंडिकेटर इंग्रेव्ड आता है ओआरवीएम में। मैं जितनी भी फ्यूचरिस्टिक गाड़ी या जो आने वाली गाड़ी देख रहा हूँ, उनमें सब में स्लीक सा ही इंडिकेटर आ रहा है ओआरवीएम में, तो ये आई थिंक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन होने वाला है। और ओआरवीएम काफी बड़ा है जो कि आपको अच्छा खासा व्यू दे देगा। वहीं अगर आप डोर हैंडल की बात करोगे तो कीलेस एंट्री आपको मिलेगी, और वहीं पे यहाँ पे थोड़ा सा मायूस करता है क्योंकि यहाँ पे की इंसर्ट करने के लिए आपको थोड़ा छेद मिलेगा यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा मायूस आपको करेगा। अदरवाइज कीलेस एंट्री, आपने डोर को ओपन करोगे तो इजीली ओपन हो जाएगा। बाकी यहीं से रूफ रेल्स भी आपको मिलती है जो कि सिल्वर और सिल्वर कलर की है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक भी इसके अंदर मिल जाता है, तो ये भी काफी ज्यादा इसके साथ अट्रैक्टिव सा लग रहा है। बाकी ये इसका ओवरऑल प्रोफाइल है, कि कर्व्स एंड क्रीजेस जो है वो काफी ज्यादा डिसेंट बनाते हैं इसको। और ये ड्यूअल टोन में है तो ब्लैक और ये ऑरेंज कलर इसका मिक्स है। बाकी रेयर प्रोफाइल की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर, स्टॉप माउंट लाइट, डिफॉगर आपको मिलेगा, साथ के साथ आपको इसके अंदर वाइपर्स भी मिल जाते हैं। बाकी कनेक्टिंग टेल लैंप्स इसमें मिल जाती है आपको, इंडिकेटर और रिवर्स भी आपको इसमें मिलते हैं। वही अगर कैमरा की बात करेंगे तो कैमरा भी इसमें आपको यहां से मिल जाता है। बाकी इस गाड़ी में अडास भी आता है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा अंदर जाके। बाकी चारों पार्किंग सेंसर्स इसमें मिलते हैं और रिफ्लेक्टर्स भी मिलते हैं। बाकी स्किड प्लेट देखिए कितना अच्छा सा इसका लगता है। बाकी एलिवेट की बैजिंग भी आपको मिल जाएगी। वही अगर बूट स्पेस की बात करेंगे तो 458 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस आपको मिलेगा। आपको लाइट भी इसके अंदर मिल जाएगी जिसमें रात में लगेज को लोड अनलोड करने के लिए आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे हुक्स भी आपको मिल जाएंगे दो, एक लेफ्ट और एक राइट हैंड साइड पे। बाकी वहीं इसको अगर ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा कि टायर भी इसमें मिल जाता है जो कि एक साइज छोटा है 16 इंचेस का, और टूल भी इसी के अंदर आपको परफेक्टली प्लेस्ड मिलेंगे। तो ये था इसका ओवरऑल बूट का स्पेस। पार्सल ट्रे भी इसका काफी अच्छा है, काफी अच्छी क्वालिटी का पार्सल ट्रे है। तो करते हैं बंद और चलते हैं इंटीरियर में। भाई इंटीरियर में एक्सेस करने के लिए आपको डोर ओपन किया और इजीली अंदर आ गए, और यहाँ पे देखिए वेलकम करेगा होंडा आपका। वहीं सबसे पहले डोर से स्टार्ट करते हैं। डोर में आपको लेदर रैप्ड मिलेगा जो कि बेज कलर में है, यहाँ पे ब्लैक मिलेगा मैट में, थोड़ा सा यहाँ पे सिल्वर, डार्केस्ट सिल्वर कलर का आपको यहाँ पे एलिमेंट मिलेगा कनेक्टिंग, और यहाँ पे भी प्लास्टिक मिलेगा। बाकी चारों पावर विंडो
और इसके ORVM को एडजस्ट करने के लिए। ORVM का साइज डिसेंट है, अच्छा खासा स्पेस, अच्छा खासा लुक आपको दे देगा रियर का। बाकी कॉइन रखने के लिए थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पे इजीली 1 लीटर की बोतल आप फंसा सकते हो, यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस हो रहा है। होंडा की गाड़ियों से ना आपको एक चीज काफी अच्छी मिलती है कि आपको प्रैक्टिकल स्पेस काफी ज्यादा मिलता है। आप देखिए यहाँ पे भी देखो वायरलेस चार्जर मिल जाएगा आपको, उसके बाद पावर आउटलेट भी मिल जाएगा आपको 12 वोल्ट का, और 2 USB मिल जाएगी, और पार्किंग जो इसका वायरलेस चार्जर है उसको ऑन एंड ऑफ करने के लिए यहाँ पे भी स्विच मिल जाएगा, तो उसको ऑन एंड ऑफ अगर करना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। बाकी 2 कप होल्डर्स है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है, तो इसका वो भी काफी अच्छा है, काफी ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है ये। इसका जो इंजन है होंडा के वो काफी अच्छे हैं। बाकी ब्रेक लीवर जो हैंड ब्रेक यहाँ पे मिल जाता है, और एक बहुत बड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जिसके अंदर बटन्स भी आपको दिए हुए हैं। पर्सनली मुझे काफी ज्यादा प्रैक्टिकल ये लगता है, क्योंकि कई बार जब आप ड्राइविंग कर रहे हो ना स्पेसिफिकली, तो बटन्स जो है वो काफी हेल्प करते हैं आपको। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ टच में, क्योंकि टच में ना आप डिस्ट्रैक्ट होते हो ड्राइविंग करते हुए, तो यहाँ पे बटन दिए हुए, तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, जो मुझे होंडा का पर्सनली काफी अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको लेदर रैप मिलेगा जो कि बेज कलर में है, और यहाँ पे वुडन फिनिश मिलेगा जो कि होंडा की होंडा सिटी में भी आता है बेसिकली, तो काफी अच्छा ये मुझे लगता है। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल है, अभी की नहीं है तो ये ऑन लॉक लॉक नहीं कर पाऊंगा मैं, दिखा नहीं पाऊंगा आपको। बाकी स्टार्ट बटन भी इसमें आता है। कंट्रोल्स आते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी आपको मिल जाता है, बाकी पैडल शिफ्टर्स भी वगैरह सब कुछ A to Z यहाँ पे मिल जाता है। काफी अच्छा, काफी प्रीमियम आपको फील होगा जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे। वहीं आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो कि डिसेंट साइज का है, और सीट की कुशनिंग की बात करें, इससे ज्यादा बढ़िया सीट कुशनिंग आपको किसी गाड़ी में नहीं मिलेगी। ये देखिए थाई सपोर्ट ऊपर को उठा हुआ है, और बैक सपोर्ट काफी अच्छे से होल्ड करके रखता है। हेडरेस्ट की बात करें तो कितना बड़ा सा हेडरेस्ट है, काफी सॉफ्ट है, कुशनी है। कहने का मतलब यह है कि होंडा की गाड़ी जो है वो प्रैक्टिकल होती है। हो सकता है कंपैरेटिवली अच्छे फीचर्स ना आते हो जो कंपटीशन में है, और बट लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी है होंडा की वो हमेशा इसमें रहती है। बाकी यहाँ पे IRVM भी आपको मिल जाएगा जो कि ऑटोमेटिक है डे एंड नाइट, और यहाँ पे लाइट आपको मिल जाएगी जिसको आप ऑन कर सकते हो, व्हाइट कलर के 2, और इसके सनरूफ को जो कि डिसेंट साइज का सनरूफ है, इसको ऑन करने के लिए भी यहाँ पे बटन दिए हुए हैं, तो क्लोज एंड ओपन करने के लिए यहाँ पे सनरूफ को दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे टेल गेट को अगर ओपन करना है क्लोज करना, वो भी आपको यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं। बाकी वैनिटी मिरर आपको दोनों ही साइड में मिल जाएगा, ड्राइविंग और पैसेंजर दोनों साइड में। तो ये था फ्रंट, अब चलते हैं बैक साइड में और दिखाता हूँ क्या क्या चीजें ये ऑफर करती है। और एक चीज मेरे को बताऊँ आपको, जब जैसे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, आप इसकी सीट्स देखो, सीट्स में ना आपको देखो हाइट एडजस्टमेंट भी मिलता है, और बैक तो मिलता ही है बट वो मैनुअल है। और यहाँ से देखो बोनट, ये मेरा आई लेवल है, 5'7" मेरी हाइट है, मेरे को अच्छे से बोनट दिख रहा है दोनों ही साइड से, तो बोनट की विजिबिलिटी भी काफी अच्छी है। ये देखो इस लेवल पे मैं ड्राइविंग करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि अच्छे से बोनट लग रहा है, और मैं काफी पीछे बैठ के ड्राइव करता हूँ, और अगर मैं आगे हो जाऊंगा तो ये देखो ये मेरा विजिबिलिटी हो जाएगी, तो बहुत प्यारे से मतलब काफी अच्छे से मेरे को बोनट यहाँ से दिख रहा है। अब रेयर में चलते हैं भाई, रेयर से जब आप आओगे तो आप देखोगे रेयर में लेग रूम में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, काफी ज्यादा अच्छा लेग रूम है। जैसे प्रैक्टिकल स्पेस की मैं बात कर रहा था ना, तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे भी मोबाइल्स वगैरह रखने के लिए छोटे से, या पॉकेट में कुछ भी सामान रखने के लिए, उसके अलावा ये बड़ा सा पॉकेट है। तो ये देखो ये ना छोटी छोटी चीजें हैं बट लेकिन बड़ी यूजफुल है। साथ में जब डोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो ट्विटर भी है, यहाँ पे नीचे स्पीकर हो जाएगा, और यहाँ पे कॉइन रखने के लिए काफी डीप स्पेस है, काफी ज्यादा डीप स्पेस है, और वहीं नीचे आप 1 लीटर की बोतल आराम से फंसा सकते हो, यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है। बाकी वही लेदर रैप्ड मिलेगा, प्लास्टिक मिलेगा, वही सिल्वर, डार्क सिल्वर जो है, ग्रेइश काइंड ऑफ कह सकते हो, वो आपको लाइनिंग मिलेगी, यहाँ पे भी आपको लेदर मिलेगा। बाकी सीट की कुशनिंग काफी ज्यादा अच्छी है, थाई सपोर्ट काफी ज्यादा अच्छा है, और बीच में हालांकि ये थोड़ा सा हम्प है इसमें सीट में भी, तो बीच वाला जो बैठेगा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट और नीचे भी हम्प मिलेगा, बट 2 पैसेंजर्स के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। आप बैक सपोर्ट देखिए, रिक्लाइनिंग एंगल देखिए कितना ज्यादा अच्छा है, AC वेंट्स भी इसमें मिल जाता है, और हेडरेस्ट भी 2 ही मिलते हैं जिसमें आप काफी ज्यादा कंफर्टेबल राइड ले सकते हैं इवन इन द लॉन्ग जर्नीज। बाकी 3 पॉइंट सीट बेल्ट दोनों में ही आता है, बीच वाले पैसेंजर के लिए आपको 2 पॉइंट सीट बेल्ट ही दिया हुआ है। साथ में इसके आपको आर्मरेस्ट मिलेगा जिसमें 2 कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा नीचे है इसका लेवल, बट आपको काम कर जाएगा, कंफर्टेबल है, और ये भी अच्छा है, मतलब मटेरियल अच्छा है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि चुभेगा आपको या फिर कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, कोई भी अनकंफर्टेबल चीज नहीं लगेगी। और एक प्रैक्टिकल चीज और, जो मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ कि भाई पीछे भी लाइट दी हुई है, तो जो पीछे लोग बैठेंगे उनको भी आप आराम से लैंप की जरूरत अगर पड़ेगी अंधेरे में तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये था भाई ओवरऑल होंडा एलिवेट का वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।